नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी तितली में। कुछ समय से मैं अपने चैनल पर वीडियोस अपडेट नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए मैं अपने व्यूअर्स से तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। जी हाँ, वो है आने वाले नए साल का यानी 2022 का वार्षिक भविष्यफल, जिसमें मैं आपको आने वाले नए साल के हर पहलू से अवगत करवाऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष का शुरुआती समय व्यापार और नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत में आप स्वयं को अति उत्साहित महसूस करेंगे। व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ के भी योग बनेंगे। नए क्षेत्रों में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सबसे अधिक शुभ समय मई से अक्टूबर तक का रहेगा। वहीं आगे नवंबर और दिसंबर का महीना आपके आत्मविश्वास और उत्साह में थोड़ी कमी ला सकता है। इस दौरान आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए यही बेहतर होगा कि थोड़ा रुकें और सोच विचार कर ही भविष्य की योजनाएं बनाएं। अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की यानी पैसों की। तो आर्थिक दृष्टि से जनवरी से अप्रैल तक का समय शुभ परिणाम देगा। इस अवधि में आप जीवन में कोई अच्छा बदलाव होने की उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही अप्रैल के महीने में अप्रत्याशित धन लाभ होने की भी संभावना है। अगर समझदारी से निवेश करेंगे तो आसानी से पैसा बचाने और मनी मैनेजमेंट करने में सफल रहेंगे। लेकिन आगे अप्रैल के बाद से राहु आपकी ही राशि में होंगे। यह समय आपके लिए अत्यंत संभल कर चलने वाला रहेगा। अनावश्यक खर्च करने से बचें। अब बारी आती है जीवन के महत्वपूर्ण भाग यानी प्रेम, विवाह और परिवार की। तो मेष राशि के प्रेमी जातकों के लिए आने वाला नया साल बेहद शुभ रहेगा। प्रेम जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। सिंगल लोगों की बात करें तो इस साल आपकी शादी आपके मनचाहे व्यक्ति से हो सकती है। वहीं शादीशुदा लोगों के जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद होना संभव है। आपको पूरे वर्ष भर आपसी तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा। अब आगे मेष राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो गुरु बृहस्पति और शनि देव की चौथे भाव पर पूरी दृष्टि होने से पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा। साल के अंत तक घर में कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, परंतु साल के अंतिम महीनों में यानी सितंबर से लेकर नवंबर के बीच आपको आपके पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मेष राशि के जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनके विषय में जानते हैं कि उनके लिए आने वाला नया साल क्या सौगात लेकर आने वाला है। तो मेष राशि के स्टूडेंट्स की बात करें तो साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च तक का समय मिलाजुला परिणाम देगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी जाती है। अगर यह समय ठीक से निकाल लिया तो आगे जुलाई से नवंबर तक का समय बेहद शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष राशि के स्वास्थ्य के विषय में। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे, लेकिन आगे मई के महीने से आपको पेट संबंधी कुछ समस्याएं परेशान कर सकती है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सेहतमंद भोजन और अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। ज्योतिषीय सलाह। इस पूरे साल को शुभ और सुखद बनाए रखने के लिए एक छोटा सा उपाय करें। हर मंगलवार और शनिवार के दिन घर में या मंदिर जाकर सुंदरकांड का पाठ करें और लाल रंग की गाय को गुड़ से बनी मीठी रोटी खिलाएं। बढ़ते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं आपके करियर पर। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह साल करियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहने की उम्मीद है। वर्ष की शुरुआत में यानी जनवरी से फरवरी के मध्य चौथे भाव पर शनि देव की दृष्टि होने के कारण
कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के प्रबल योग हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत लाभ कमा सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी। करियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, क्योंकि गुरु बृहस्पति साल के अधिकांश समय आपके दसवें भाव में मौजूद होंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। शनिदेव इस वर्ष कार्य और व्यापार के लिए काफी मददगार साबित होंगे। अब बात करते हैं आपके वित्त यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। जनवरी से मार्च के मध्य व्यापारी वर्ग कोई बड़ा निवेश करने से बचें। आगे अप्रैल के बाद गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सितंबर से आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी योजना बनाएंगे आप उसमें सफल होंगे। साल का अंत सुखद होगा। अब जान लेते हैं वृषभ राशि के प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में। तो 2022 के भविष्यफल के अनुसार आपके प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। साल का मध्य विशेष रूप से प्रेमी जोड़ों के लिए शुभ साबित होगा। आपका साथी आपकी तरक्की के लिए मददगार साबित होगा। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए भी नया साल अनुकूल रहने वाला है। बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि पुरानी चल रही सभी शंकाओं और दूरियों को समाप्त कर देगी। यदि आप सिंगल हैं, तो सोशल नेटवर्किंग के जरिए आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है। पारिवारिक जीवन के हिसाब से साल की शुरुआत थोड़ी प्रतिकूल रहने वाली है, क्योंकि साल के आरंभ में ही पारिवारिक जीवन में कलह का माहौल रहेगा। अप्रैल के महीने में जब गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तब नवविवाहित जोड़ों को शुभ समाचार प्राप्त होने के योग हैं। चलिए अब बारी आती है वृषभ राशि के स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। इस साल कई ऐसे मौके आएंगे जब आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। मार्च के बाद स्थितियों में सुधार होगा। पढ़ाई को लेकर पहले से ज्यादा फोकस्ड होंगे, जिससे आपको मन चाहे स्कूल या कॉलेज में दाखिला मिलना संभव होगा। अब आखिर में बात करते हैं वृषभ राशि के स्वास्थ्य की। तो वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस समय राहु और केतु आपके लग्न में मौजूद होंगे, जो आपको सेहत संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। आगे अप्रैल से जब यह ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तब आपकी सेहत में सुधार होना संभव है। इस साल आप अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करें, नहीं तो यह एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। अब बारी आती है सरल से ज्योतिषीय उपाय की। तो शुक्रवार के दिन गरीबों को चीनी या सफेद मिठाई का दान करें और रिंग फिंगर में चांदी का छल्ला धारण करें। ऐसा करने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के करियर के विषय में बात करें तो यह साल आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आठवें भाव में शनि की उपस्थिति के कारण कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें पैदा होगी। अप्रैल के मध्य से जब देव गुरु बृहस्पति आपके दसवें भाव में गोचर करेंगे तब आपकी इनकम में वृद्धि होगी। इस राशि के व्यापारी जातक कोई नई योजनाएं बना रहे हैं तो आपको यह सलाह दी जाती है कि जून महीने के बाद ही नई योजनाओं पर काम करें। आगे मिथुन राशि के जातकों के आर्थिक जीवन पर नजर डालें तो साल की शुरुआत में आपको व्यर्थ की बातों को छोड़कर काम की बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जब देव गुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे तब कार्य क्षेत्र में धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे, परंतु इस वर्ष आपके खर्चों में वृद्धि भी होगी, इसीलिए आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें। पिछले समय में यदि किसी को उधार दिया था तो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान अटका हुआ पैसा पुनः मिलने की संभावना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि 2022 में मिथुन राशि का प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन क्या कहता है। तो आने वाला नया साल प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। नए जोश और उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। पिछले कुछ समय से
रिश्ते में चल रहे तनाव में सुधार होगा। मिथुन राशि के जो जातक सिंगल हैं, उन्हें इस साल सच्चा प्यार मिलने की पूरी उम्मीद है। जो लोग विवाहित हैं, उनके लिहाज से साल की शुरुआत थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है, क्योंकि मंगल की उपस्थिति रिश्तों में तकरार का कारण बनेगी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे स्थितियां सुधरेंगी। अप्रैल के बाद से शुक्र ग्रह की सकारात्मक दृष्टि वैवाहिक जीवन में बेहतर परिणाम देने लगेगी। अब यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह साल अनुकूल होगा। माता पिता की सेहत अच्छी रहेगी। परिवार के सदस्यों के लिए कुछ खरीदारी करते दिखाई देंगे, जिससे घर वालों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि के स्टूडेंट्स के बारे में कि ये आने वाला नया साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो इस साल अप्रैल के बाद से स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहने की उम्मीद है। एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे जातकों को अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद सफलता मिल सकती है। इससे बेहतरीन कॉलेज में दाखिला मिलने की भी संभावना है। आखिर में अब बात करते हैं मिथुन राशि के स्वास्थ्य की। तो नया साल 2022 आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि आठवें भाव में शनि देव की उपस्थिति और छठे भाव में केतु के होने से आपको रक्त या वायु संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। इस साल आपको ज्यादा तला भुना भोजन करने से परहेज करना चाहिए। इस वर्ष आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आपको एक सरल सा ज्योतिषीय उपाय करना है, जिसे करने से जीवन में आने वाली बाधाओं को कम जरूर किया जा सकता है। पहला, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। दूसरा, बुधवार को गायों को हरा चारा खिलाएं। और तीसरा, यदि संभव हो तो मानसिक शांति के लिए गले में सोने की चैन अवश्य धारण करें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। 2022 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। करियर के हिसाब से यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए इतनी अनुकूल नहीं होगी। सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। अप्रैल से जुलाई के बीच कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, परंतु बदलाव करने से पहले अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर अवश्य विचार करें। हालांकि इस समय कई चिंताओं के बावजूद भी पेशेवर जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। वहीं सातवें भाव में शनि की स्थिति के कारण व्यावसायिक जातकों को व्यापार में ठीक ठाक ही मुनाफे होंगे। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद ना करें। कुल मिलाकर यह साल कर्क राशि के जातकों के लिए मिला जुला ही रहेगा, परंतु आगे इस साल आपकी आर्थिक स्थिति क्या कहती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो धन की दृष्टि से यह वर्ष ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। जितना हो सके अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अप्रैल के बाद कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन अवश्य होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इस समय शेयर मार्केट या शॉर्ट टर्म निवेश करने से बचें, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति सही रखनी है तो पूरे वर्ष भर अनावश्यक खर्च से बचना अनिवार्य है। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन की। तो कर्क राशि के प्रेमी जातकों के लिए यह पूरा ही साल बेहद शुभ रहेगा। खासकर साल के पहले 3 महीने आपके प्यार को मजबूती प्रदान करेंगे। जो जातक सिंगल हैं, उन्हें इस दौरान मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना है। अब जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए यह साल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। धैर्य से काम लें और स्थितियों को नियंत्रण में रखें, नहीं तो आपके रिश्ते में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हालांकि जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिश्तों में अनुकूलता भी बढ़ेगी। अंतिम 3 महीने दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे अधिक सुखद होंगे। अब पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो इस साल आपका निजी जीवन और पारिवारिक जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। काम की अधिकता आपको चिड़चिड़ा बनाएगी,
जिसके कारण आपको परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं कर्क राशि के स्टूडेंट्स के बारे में। तो कर्क राशि के स्टूडेंट्स के लिए साल की शुरुआत ठीक ठाक ही रहेगी। जनवरी से अप्रैल का समय थोड़ा प्रतिकूल होगा। अपनी पढ़ाई में मन लगाकर रखें और मन को भटकने ना दें। अप्रैल के बाद जब गुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, तब शिक्षा के क्षेत्र में आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। आखिर में बात कर लेते हैं कर्क राशि के स्वास्थ्य के विषय में। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल ठीक ही रहेगा। हालांकि मौसमी सर्दी जुकाम की परेशानी हो सकती है। अगर सेहतमंद खान पीन और अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो छोटी मोटी परेशानियों से निजात पाने में सफल रहेंगे। ज्योतिषीय सलाह। कर्क राशि के जातकों को इस पूरे साल एक छोटा सा उपाय करना है। नौकरी में तरक्की पाने के लिए रोजाना ओम शब्द का जाप करना है और अपाहिज लोगों की यथाशक्ति मदद करनी है। तो दोस्तों, यह तो था कर्क राशि के जातकों का 2022 का संपूर्ण राशिफल। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए काम और करियर की दृष्टि से साल की शुरुआत शुभ रहेगी। सातवें भाव में गुरु बृहस्पति की मौजूदगी के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी तरक्की करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में जुड़े हैं तो इनकम के नए स्रोत मिलने की प्रबल संभावना है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें कार्यस्थल पर मान सम्मान मिलेगा। आगे जुलाई से दिसंबर के बीच समय थोड़ा प्रतिकूल रहने की आशंका है। इस अवधि में आपके शत्रु आपके लिए कोई बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि इसका आपके काम और पेशेवर जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। कुल मिलाकर करियर के हिसाब से यह साल अच्छा रहने की उम्मीद है। आगे आपकी आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो इस साल खर्च अधिक होने से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। इसीलिए साल की शुरुआत में ही आपको अपनी इनकम बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। अप्रैल के बाद का समय अनुकूल होगा। आगे जून से अक्टूबर के दौरान आपके पास पैसा कमाने के कई अवसर आएंगे, जिससे पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन की। प्रेमी जोड़ों के लिए यह साल थोड़ा कठिनाइयों भरा हो सकता है। जनवरी और फरवरी के महीने के बीच आपके प्रेमी के साथ विवाद बढ़ेंगे। अप्रैल के बाद स्थितियों में सुधार आना संभव है। यदि आप अपने रिश्ते में ईमानदार हैं और प्रेमी से सच्चा प्यार करते हैं तो साल के अंत तक आप दोनों की शादी हो सकती है। सिंह राशि के जो जातक विवाहित हैं, उन्हें पूरे साल दाम्पत्य जीवन में अनुकूल फल प्राप्त होंगे। विशेषकर अप्रैल और सितंबर का महीना आपके रिश्ते के लिए सबसे खास होगा। पुराने चल रहे हर विवाद, हर गलतफहमी सुलझाने में सफल रहेंगे। यूं तो पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बना रहेगा। हालांकि बीच बीच में छोटी मोटी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस साल आपको अपने माता पिता की सेहत का पूरा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सिंह राशि के स्टूडेंट्स के विषय में। तो पढ़ाई के क्षेत्र में इस साल सिंह राशि के स्टूडेंट्स को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। कठिन विषयों को समझने में दिक्कत होगी। पढ़ाई में आपका मन कम लगेगा। हालांकि अप्रैल के बाद उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखने वाले बच्चों का सपना पूरा होगा। मनपसंद कॉलेज में दाखिला मिलेगा। आपके लिए सितंबर से दिसंबर का समय अत्यंत शुभ रहेगा। इस दौरान कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। चलिए अब जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में। तो स्वास्थ्य राशिफल 2022 के अनुसार आपको स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साल की शुरुआत में यानी जनवरी से अप्रैल तक का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रहेगा, परंतु इसके बाद का समय परेशानियों भरा हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर या किसी तरह का इन्फेक्शन या अपच की समस्या हो सकती है। इनसे बचने के लिए आपको अच्छी लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। सिंह राशि के जातकों को अपनी आर्थिक समस्याओं और स्वास्थ्य को सही रखने के लिए इस पूरे साल
एक सरल सा ज्योतिषीय उपाय करना है। हर रविवार सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ देना है और निर्धन व्यक्तियों को गुड़ और मसूर की दाल का दान करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो की अंतिम राशि और राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि की। सबसे पहले आपके करियर के विषय में बात करें तो करियर के लिहाज से कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी से मार्च और जून का महीना काफी बेहतरीन साबित होने वाला है। मई के महीने की शुरुआत में कुछ लोगों को मनचाहे ट्रांसफर भी मिल सकते हैं। इस दौरान आपका प्रमोशन होने के भी योग हैं। जो लोग व्यापार करते हैं और काम को बदलने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। जो लोग वर्तमान में बेरोजगार हैं उन्हें भी 2022 में अच्छी नौकरी मिल सकती है। हालांकि नौकरी पेशा और व्यापारी जातकों के लिए इस साल बीच बीच में कुछ ऐसा समय भी आएगा जब आप थोड़ा निराश हो सकते हैं। ऐसे में धैर्य से काम लें। अब नजर डालते हैं आपके आर्थिक जीवन पर, तो इस साल धन की दृष्टि से समय थोड़ा ठीक नहीं कहा जा सकता। साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर होगी। जैसे जैसे साल बीतेगा भाग्य का साथ मिलेगा। अप्रैल के बाद इनकम में वृद्धि होगी। जून से दिसंबर के बीच गुरु बृहस्पति की स्थिति इस बात को बताती है कि इस दौरान कोई बड़ा कर्ज या कोई बड़ा खर्च होने की प्रबल संभावना है। सावधानी से और सोच समझकर खर्च करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन। तो 2022 में कन्या राशि के प्रेमी जातकों के लिए साल की शुरुआत यानी जनवरी से फरवरी का महीना प्यार के लिए थोड़ा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। परिवार के किसी सदस्य के द्वारा रिश्ते में परेशानी आ सकती है। इस समय थोड़ा सतर्क रहें। अगर इस दौरान समझदारी से काम लिया तो साल के अंत तक प्रेमी से विवाह करने के लिए परिवार को मनाने में सफल होंगे। अब इस राशि के जो लोग विवाहित हैं उनकी बात करें तो साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ के विवाद होंगे। आगे अप्रैल से अगस्त के बीच का समय थोड़ा अनुकूल होगा। अपने जीवन साथी की मदद से रिश्ते की हर कड़वाहट सुलझा लेंगे। साल के अंत में कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। यह साल पारिवारिक जीवन की दृष्टि से भी थोड़ा मिलाजुला ही रहेगा। साल की शुरुआत में पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद पैदा हो सकता है। वहीं अप्रैल से सितंबर का समय पहले से बेहतर होगा। साल का आखिरी भाग परिवार में कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कन्या राशि के स्टूडेंट्स का हाल। तो यह साल पढ़ाई के लिए मिश्रित परिणाम देगा। साल की शुरुआत में आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आप अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकेंगे। अप्रैल के बाद से समय शुभ रहेगा। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी। अच्छी शिक्षा पाने के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। अब आखिर में बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो कन्या राशि के स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष अच्छा रहेगा। पुरानी चल रही किसी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अप्रैल से जुलाई तक का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही शुभ साबित होगा। ज्योतिषीय सलाह। अपने दाम्पत्य जीवन को और करियर को अच्छा बनाए रखने के लिए इस साल आपको हर बुधवार गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें हरी दुर्वा चढ़ानी है और हरी वस्तुओं जैसे मूंग की दाल, हरे रंग के कपड़े, हरी सब्जियां जरूरतमंदों को दान करनी है। तो दोस्तों यह था मेष से कन्या राशि तक का संपूर्ण 2022 का राशिफल। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली 6 राशियों का संपूर्ण भविष्यफल लेकर मैं उपस्थित होंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।